दोस्तों, सजनों, मित्रों, साथियों, बहनों तो बिराओ, अस्सलाम अलैकुम। मैं नज़ीर कहूट। मैं आज थोड़े नाल जिहड़ी गल करना चाह रहा हूं, वह है 2018 पंजी जुलाई में जिहड़ा इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में, उस हवाले नाल मैं थोड़े नाल गल करना चाह रहा हूं कि इस इलेक्शन में दो सियासी पार्टियां, एक तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की, ते दूजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ते बिलावल साहब दी पार्टी जिहड़ी है, इन्होंने अपने मंशूर च पंजाब दी तकसीम दा एजेंडा रखिया कि पंजाब नूं तकसीम करो। गल इह वे कि सिर्फ पंजाब नूं तकसीम करन दा एजेंडा इन्हां दोनां पार्टियां ने क्यों रखिया? सिंध दी, बलोचिस्तान दी ते सूबा सरहद की वंड का इन्होंने एजेंडा क्यों नहीं रखा? तीसरी गल यह है कि यह हैन कौन पंजाब की तकसीम की गल करन वालियां पार्टियां? इमरान खान कौन हैगा? आसिफ जरदारी ते बिलावल भुट्टो जरदारी कौन हैगा? ये लोग कौन ने? इन्हों किने इख्तियार दिता है? इन्हों किने इख्तियार दिता कि पंजाब की तकसीम की गल करन? मैं गल इस वास्ते कर रहा कि पंजाब 12 करोड़ पंजाबी लोगों का सूबा है, पंजाबियों का देश है, पाकिस्तान में शामिल होया है 1947 अपनी वंड करा के पूरा पंजाब। उस पंजाब की वंड का किसी कोई जवाज नहीं है, ना पाकिस्तानी रियासत कोल, ना किसी सियासी पार्टी कोल, ना किसी मीडिया, पाकिस्तानी उर्दू मीडिया कोल, ना किसी अथॉरिटी को, ना किसी अदारे को, ना किसी अदालत को। पाकिस्तान का कोई अदारा, कोई सियासी पार्टी, कोई शख्स पंजाब की वंड की गल नहीं कर सकता। वजह उसकी साफ जाहिर है कि पंजाब के लोगों ने किसी को मैंडेट नहीं दिता, किसी को इख्तियार ही नहीं दिता पंजाब को वंडन का। कि इमरान खान ने, जरदारी ने, बिलावल ने, पीपल्स पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने पूछा पंजाब के लोगों को कि असं पंजाब की वंड करना चाहते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। दूजी गल यह कि जे तुसी पंजाब नूं वंड करना है, चारा सूबे में फिर रेफरेंडम कराओ, जेड़ा सूबा मेजोरिटी वोट करे कि जी मेरा सूबा वंड दो, फर्ज किया जी पंजाब मेजोरिटी वोट करता कि पंजाब दे टोटे करके पंजाब नूं खत्म कर दो। सिंध वोट कर देता जी ठीक है, मेजोरिटी के सिंध नूं खत्म कर दो, वंड दो, इन्हां दी पार्टीशन कर दो। इसे तरह बलोचिस्तान के सूबा सरहद च भी होंदा है, तो फिर तो गल वखरी है। पूरे मुल्क दे लोकां नूं चारां सूबियां कोलों इक्को वेले पुछना पएगा कि जनाब तुहाडी वंड करिए या ना करिए। दूजी गल है कि पाकिस्तानी रियासत किस बुनियाद ते वजूद ते आई? इस्लामी नजरिए ते कि मुसलमान हिंदू दे नाल नहीं रह सकते? चार सूबियां ने, चार रियासतां ने, पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान ने ऑफर किया जी असीं अपनी जमीन देने, तुसीं इत्थे पाकिस्तान बना लो। सवाल यह वे कि जनाब ये रियासत जिन्हों पंजाब ने अपनी धरती दी, अपनी सरजमीन दी, जिदे वास्ते पंजाब कोया गया, 10 लाख बंदा कोया गया, 1.5-2 करोड़ बंदा घर दर बदर होया, मैं उन्हें लोगों को एक गल करना चाह रहा जेड़े ये समझते हैं कि वह पंजाब च खुश नहीं है, मेरा उन्होंने मशवरा तुसीं पंजाब च दफा हो जाओ। गल मैं क्लीयर कर दिया, मैं कोई पर्दा नहीं रखना, गल मैं सिर्फ ये कह रहा जे तुसी पंजाब च भावें तुसी 1000 साल तो रह रहे हो या 10000 साल तो रह रहे हो, जिथों तक पंजाब दे 5 दरिया वगदे ने उह देश पंजाबियां दा है, ते तुसी 10000 साल तो भी पंजाब च रह रहे हो, तुसी अपने आप नूं पंजाबी नहीं समझदे, तुहानूं पंजाब छड़ना पएगा। इसे तरह छड़ना पएगा जिस तरह स्पेन अरबां नूं छड़ना पिया। तुसी पंजाब दा तमाशा बनाया पिछले 70 साल तो, तुसी पंजाब नाल कर की रहे हो? तुसी पंजाब की जुबान खा गए। एक पाकिस्तानी रियासत पंजाब की जुबान खा गई है। 70 साल लाए ने इस पाकिस्तानी रियासत ने पंजाबी जुबान का हक खसम करके बैठी है, पंजाबी जुबान का हक देने तो इनकारी है। इस रियासत ने पंजाब की जुबान बदल के उर्दू कर दीती है। क्यों है कड़े मुल्क का कानून है कि पंजाब की जुबान बदल दो, पंजाबियों उर्दू बोलने वाला हिंदुस्तानी बना दो? है कड़ा कानून है पाकिस्तान का? असं इस कानून को नहीं मनते। पंजाब के 12 करोड़ लोग इस कानून के तुकते ने, साडी जुबान पंजाब की जुबान वापस करो। एक गल, पंजाब नूं वंडण का ख्याल छड्ड दो, नहीं तो हालत चंगी होएगी। पाकिस्तान
ਟੁੱਟੇਗਾ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਪੁੜਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਚੁੱਭਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ 70 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ